बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता। हलवा पूरी तो बहुत खाई होगी आपने, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ ये आटे से बनेगी। इसमें बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं किया और ये बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार यूनिक सा टेस्ट लेके आएगी आपके लिए। इस क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल स्पाइसेस डाले हैं जो कि इसका मज़ा दोबारा कर देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। साथ में ने बनाया है मज़ेदार हलवा और आलू की तरकारी, आलू चने, ये तीनों चीज़ें मिलके इसका मज़ा दोबारा कर देंगी। चने, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम चने बना लेते हैं। चनों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये चने मैंने रात भिगो दिए थे। भिगोने के बाद सुबह थोड़ा सा बॉईल कर लिया इनको तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि ये थोड़े हाफ डन हो जाए, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। साथ दो मीडियम आलू हैं, इनको छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो कच्चे चने भी डाल के पका सकते हैं। उसके लिए फिर आप पैन में चनों के साथ थोड़ा सा सोडा डालेंगे हाफ टी स्पून, ताकि वो जल्दी गल जाएं और सॉफ्ट। पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसके अंदर ये चने डाल लेंगे, आलू डाल देंगे। आलू चने के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम आलू भी जरूर डालेंगे और इसके वो पकने रख देंगे। थोड़ा सा बस नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून से भी जरा सा कम, ताकि ये आलुओं में भी हमारे नमक आ जाए, जरा सा बस, और इसको पकने रखेंगे तब तक हमारे चने अच्छे से गल जाएं। बहुत तकरीबन दो ढाई कप पानी डल गया है, तो इससे ये अच्छे टेंडर भी हो जाएंगे और जूसी भी रहेंगे, इसके अंदर हर किसी ग्रेवी भी हो जाएगी। चने हमने पकने रख दिए हैं, जिस दौरान हमारे चने पकें हम अपने आलुओं को भी चढ़ा देते हैं ताकि वो भी साथ साथ पक जाएं। आलू मैंने 1 kg लिए हैं, इनको छोटा छोटा काट लिया है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस डालेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। राई दाना है, मेथी दाना है, सौंफ है, जीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, कलौंजी है और नमक है। ये तमाम चीजें हमने इसमें डालनी है। ये कलौंजी भी आ गई। चलें अब शुरू करते हैं इसको चढ़ा। पैन में मैंने 2 tablespoon ऑयल डाला है। अब इसके अंदर हम इसको जरा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे ये राई दाना 1/2 teaspoon, साबुत जीरा 1/2 teaspoon, ये मेथी है ये 1/3 teaspoon, 1/4 teaspoon से थोड़ा सा ज़्यादा, सौंफ है 1 teaspoon, ये कलौंजी है मेरे पास 1/4 teaspoon। हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस मिक्स करेंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे आलू 1/2 teaspoon, हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे। ये 1 teaspoon फिलहाल मैं नमक डाल रही हूँ, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे नमक को। इसको 1 मिनट पकाएंगे इस तरह। अब इसमें पानी डाल के हम इसको पकने रख देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि हमारे आलू इसके अंदर डूब जाएं। इसको ढक के पकने रख देंगे जब तक कि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। आटा गूंद लेते हैं। मैंने गंदम का आटा लिया है, इसके साथ बहुत ही मजे की बनती है, बहुत हेल्दी होगी और बहुत लजीज। ये 3 कप मैंने आटा लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी जीरा 1 teaspoon, 1 teaspoon नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1 teaspoon। इसको मिक्स करके इसको इनमें पानी डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 tablespoon के करीब ऑयल और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये खस्ता बनेंगी। इसको हमने सख्त गूंदना है, हमने सख्त गूंदना है। ये देखें रोटी के आटे से सख्त गूंदेंगे इसको। बस अब 5 मिनट तक मैं अच्छी तरह से गूंद के इसको रख दूंगी रेस्ट के लिए। तकरीबन हमने इसको 20 से 25 मिनट तक रेस्ट देना है। अब चने जो हमने गला के पका के रखे हुए हैं उसके ऊपर एक भगार लगता है। उस भगार के लिए मैंने 4 tablespoon ऑयल लिया है, उसको गर्म करेंगे और ये भगार इस पर डालेंगे तो उसका टेस्ट आएगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता,
एक बड़ी इलायची है, दो लौंगे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये तीन चीजें ये डालेंगे। साथ में डालेंगे जीरा, साबुत जीरा है ये, मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे ताकि इनकी खुशबू रिलीज हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, इसका पेस्ट 1 टीस्पून। ये बादी होते हैं चने, तो उसकी बादी कपन खत्म करने के लिए 1 टीस्पून मैंने जिंजर डाला है। मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रीन चिल्ली का। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले डालते हैं। धनिया हल्का सा कुटा हुआ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। ये मेरे पास है जीरा पाउडर, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि जले नहीं हमारी मिर्चें। और ये है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1/2 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नमक है 1/2 टीस्पून। इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के दही। अब फ्लेम को थोड़ा सा ऐसा कर दिया था, दही हल्के फ्लेम में डालेंगे ताकि फुटकी ना बन जाए। अब फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया है। अब जिस कटोरी में मैंने दही डाला था उसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल के ये पानी में डाल दूंगी। साथ इसमें डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून कलौंजी, इनकी भी खुशबू अच्छी सी आ जाए। रेड चिली पाउडर के साथ मैंने थोड़ी सी एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी, ये गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। अब ये मिक्सचर हम चनों में डाल देंगे और इसको पकने रख देंगे। थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे मसाले के साथ, हम इनको थोड़ी देर पकाएंगे तो बहुत अच्छा सा इनका फ्लेवर आ जाएगा। तकरीबन हम 10 मिनट तक चने हमारे रेडी हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ऑयल में हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसका भगा देंगे। पकने रखे थे, इसमें से थोड़े से आलू हम मैश कर देंगे, सारे नहीं बस जरा से, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना इन आलुओं की वजह से थिक हो जाए। बस जरा से पुदीना, सूखा हुआ पुदीना है ये डालेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा इसके अंदर। अगर आपके पास आम का अचार नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून सिरका डाल लें, बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट देगा सिरका भी। मेरे पास क्योंकि आम का अचार है मैं इसमें थोड़ा सा आम का अचार डाल लूंगी। इसमें आम का अचार में से थोड़ा सा आम और उसका कुछ मिक्सचर जो इसका मसाला है ना आम का वो डाल देंगे। बस हमारा आलू तो तकरीबन तैयार हो गए हैं, इनको हम निकाल के रख लेते हैं। बाकी सारी चीजों के साथ एक एक चीज रेडी करते जाएंगे और रखते जाएंगे। आलू की तरकारी और चने तैयार हैं हमारे, तो अब हम हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने सूजी 1/2 कप ली है, उसके अंदर मैं 1/3 कप ऑयल डालूंगी। कमर्शली जो बनाते हैं वो बराबर का ऑयल डालते हैं, तो मैं थोड़ा सा कम डालूंगी। आपको पता है मैं हेल्दी वे में बनाती हूँ चीज़ें, ऑयल वगैरह मैं कम डालती हूँ। तो 1/3 कप मैंने ऑयल डाला है, आप घी में भी बना सकते हैं। साथ मैंने 1/2 कप सूजी डाली है। इसके अंदर आपने एक ये रेशो रखना है, आपने ये रेशो रखना है कि जितनी सूजी है, जैसे 1/2 कप मैंने सूजी ली है तो 1/2 कप ही इसमें चीनी डलेगी, और उसके तीन हिस्से यानी 3 1/2 कप 1.5 कप इसमें पानी डलेगा, और ऑयल जो है 1/3 कप डलेगा, इसे थोड़ा सा कम, और कमर्शली बराबर डलता है। और चीनी जो है कमर्शली जो डलती है वो इसमें 1 कप के करीब डलेगी, सूजी से थोड़ी ज़्यादा डलेगी चीनी, तो उसे वैसा ही टेस्ट देगा जैसे बाजार का होता है, क्रीमी क्रीमी और बहुत तेज मीठा। तो हम क्योंकि अपने घर के हिसाब से बना रहे हैं तो इसलिए हम अपने चॉइस के मुताबिक चीनी डाल रहे हैं, आप भी अपनी चॉइस के मुताबिक डालें। अब इसको हम इतना भूनेंगे कि इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसका हल्का सा रंग चेंज हो जाए और इसमें जाला सा बन जाए, आपको नजर आएगा इसकी बेस पे जाला सा बन रहा है, तो उतना ही पकाएंगे। अब इसके अंदर मैंने 3 1/2 कप पानी डाल दिए हैं,
कि 3 गुना पानी डालना जाता है हलवे के अंदर, और ये 1/3 कप। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़रदा रंग, उसका वही लुक देने के लिए जो बाज़ार का हलवा होता है उसमें ज़रदा रंग डला होता है। थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़रदा रंग डाला है, मेरा पाउडर्ड ज़रदा रंग है जो कि बिरयानी वगैरह में यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ, और चीनी को इस स्टेज पे डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अगर हम पहले ना डालें और जब पानी डाल के जब पानी आधा पक जाए तो इसके अंदर फिर हम चीनी डाल देंगे और इसको पकाएंगे थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, उससे इसकी का फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि हम बाज़ार से लेके खाते हैं। फ्यू ड्रॉप्स बस, ज़्यादा ना डालेगा। केवड़ा एसेंस डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और अब इसको हम थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे इस स्टेज में, जैसे आपने नज़र आ रहे हैं हल्का पतला पतला सा है। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए दम में पकने रख देंगे, और इसके बाद निकाल के सर्व करेंगे। जी तो रेडी है हमारा मज़ेदार हलवा। ये देखें कितनी प्यारी लुक है इसकी और कितना दानेदार है। इस तरह का ही होता है ना जब हम बाजार से लेके आते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल दानेदार, और उसी तरह का है ड्राई ड्राई सा। चलें अभी इस हलवे को भी हम सर्व करते हैं अपनी पूरियों के साथ। अब हमारा ये हो गए हैं पेड़े, मैंने बना लिए हैं, और 1 ड्रॉप ऑयल का डालेंगे इसके ऊपर, ये पेड़ा रखेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे। देखें 1 ऑयल बस ड्रॉप डाला था, उसी में सारी हमारी बेली गई हैं। ज़रा सा मैंने 1 ड्रॉप डाल के देखा है इसका कि ये हमारा ऑयल गर्म हो गया कि नहीं। ये देखें गर्म है, इसको हमने तेज़ गर्म करना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे। ऊपर से प्रेस, फिर बाद में ऊपर ऑयल डालेंगे, फिर टर्न करेंगे। देखिए कितनी अच्छी फूल फूल के बन रही हैं। ये देखें कितनी अच्छी बनी है, कितनी फूल फूल के, पूरी खस्ता बहुत मज़ेदार बनी है। इनका तरीका ये है कि ऑयल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए, और इसमें जब आप पूरी डालें तो ऊपर से थोड़ी देर 2-3 दफ़ा ऊपर से दबा दें उसको, और उसके बाद फिर ऑयल इनके ऊपर डालें तो एकदम फूल के ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हो जाएंगी। ये देखें ऊपर से थोड़ा सा दबाना है हल्का सा शुरू में, और बाद में जब ऑयल डालेंगे ना तो ये फूलनी शुरू हो जाएंगी। फिर जब टर्न करेंगे तो जहाँ से कहीं से रह जाएगी ना फूलनी, वो भी फूल जाएगी। ये देखें ये हो गई है सही। अब इसी तरह इस वहाँ बना लेंगे और ये इनको निकाल लेंगे, और इनमें बहुत कम ऑयल जज्ब हुआ था, और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हो रहे थे, ऑयली नहीं हो रहे थे जितना मैदा या मैदे की पूड़ियाँ खाने से होते हैं। तो क्योंकि आटा अगर बनाते हैं तो वो हेल्दी होता है। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी ज़रूर टच कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज आ रही हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।